इस कहानी में हम देखेंगे कैसे 50 साल की औरत अपने ही बेटे को अपनी रातें रंगीन करने के लिए मजबूर कर देती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम डेनमार्क के जंगलों को देखते हैं, जहां पर एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में पीटर, एनी और उनकी ट्विंस बेटियां रहती थीं। पीटर एक टॉप क्लास का सर्जन था और दूसरी तरफ एनी लॉयर थी, जो माइनर का केस लड़ती थी। वो अपने इस काम में बहुत ही अच्छी थी। ऊपर से अच्छी दिख रही इस फैमिली में एनी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती थी। इसके बाद हम पीटर के साथ चार्ली को देखते हैं। वो उसकी एक्स वाइफ का बेटा है, जो एनी की बेरंग रातों को रंगीन बनाने के लिए आ गया था। एनी की दोनों बेटियाँ चार्ली से मिलते टाइम उसे की चेन देती हैं, लेकिन ये गिफ्ट चार्ली को पसंद नहीं आता, जो अगले दिन एनी को घर के बाहर पड़ा हुआ मिलता है। एनी सोचती है शायद ये गलती से गिर गया होगा, तो वो उसे वापस करने के लिए चार्ली के रूम में जाती है, जहां पर उसे एक 18+ बुक मिलती है। तभी चार्ली आ जाता है और एनी उससे पूछती है, क्या मैं जान सकती हूं तुम इस बुक से क्या पढ़ रहे हो? जिसे सुनकर चार्ली एकदम से डर जाता है, लेकिन एनी मुस्कुराते हुए उसे वो वापस कर देती है। एक दिन एनी जब अपने ऑफिस से घर लौटती है, तब वो नोटिस करती है घर पर चोरी हो गई है, जिसमें वो कीचेन भी शामिल था। लेकिन अगले दिन कपड़े धोते टाइम एनी को वो कीचेन चार्ली की पेंट से मिलता है। इसका मतलब था वो चोरी चार्ली ने ही की थी। चार्ली एक अजीब टाइप का लड़का था, इसलिए एनी उसे सुधारने का मौका ढूंढ रही थी। इसलिए वो अपने लॉयर वाले अंदाज में चार्ली से कहती है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को पता ना चले, तो तुम्हें सारे फैमिली फंक्शन और पिकनिक में शामिल होना होगा। उसकी बात सुनकर चार्ली मान जाता है और अगले दिन पिकनिक में वो अपने दोनों बहनों के साथ बहुत ही इंजॉय करता है। एनी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। उसी शाम को चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड को एनी से मिलवाता है, फिर दोनों मस्ती करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन नीचे एनी अपनी बेचैनी में अपनी जवानी को याद करके उंगलियां घिस रही थी। इसके अगले दिन हम देखते हैं ये चारों फिर से लेक में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। ये तीनों तो नहा रहे थे, लेकिन एनी एक तरफ बैठकर बुक पढ़ रही थी। इसके बाद चार्ली उसे बुलाने के लिए आता है। एनी कभी भी स्विमिंग नहीं करती थी, लेकिन चार्ली के बोलने पर वो अंदर आ जाती है, क्योंकि वो भी आज चार्ली के साथ एंजॉय करना चाहती थी। फिर दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगीं। इसके बाद ये दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ गुजारने लगे। फिर चार्ली एक दिन एनी को लेकर एक क्लब में जाता है। ये दोनों वहां पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन तभी चार्ली को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। तभी चार्ली वहां से जाने लगता है, लेकिन एनी उसे किस कर लेती है। एनी का ये बिहेवियर चार्ली को थोड़ा सा बेयर्ड लगता है, लेकिन वो उसे मॉम का प्यार समझकर वहां से चला जाता है। लेकिन मॉम का प्यार तो एनी कब का भूल चुकी थी, अब तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जब ये लोग मिलकर हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तब चार्ली का एक टच भी एनी को सेड्यूस कर रहा था। इसके बाद रात में एनी अपने रूम से निकलकर चार्ली के रूम में पहुंच जाती है, जिसे देखकर चार्ली एकदम हैरान हो जाता है। लेकिन एनी के दिल और दिमाग पर चार्ली का भूत सवार हो गया था और वो चार्ली का औजार निकालकर अपने मुंह में लेने लगी थी। चार्ली भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एनी की सूखी पड़ी गुफा में बारिश कर देता है। यहीं से इनका एक अलग रिश्ता शुरू हो जाता है। अब इन्हें जब भी मौका मिलता था ये शुरू हो जाते थे। एक दिन गपागप करने के बाद चार्ली एनी की बातें रिकॉर्ड कर रहा था, जिस पर चार्ली एनी से पूछता है, तुमने फर्स्ट टाइम अपनी गुफा का दरवाजा किसके लिए खोला था? एनी कहती है, उसके साथ जिसके साथ मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए था। जिसके साथ सबसे पहले एनी ने ये किया था वो भी एक माइनर था। इसके बाद चार्ली एनी की सभी बातें रिकॉर्ड करके उसे रिकॉर्डर को रख देता है। अगली शाम को चार्ली की दोनों बहनों की बर्थडे पार्टी थी, काफी सारे लोग शामिल हुए थे और एक कोना पकड़कर एनी और चार्ली भी रोमांस कर रहे थे। ऐसा करते हुए एनी की बहन उसे देख लेती है और वो एनी से कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारा बेटा है। बहन को पता चलने के बाद एनी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो उसकी पूरी इमेज ही खराब हो जाएगी। इसी के बाद एनी चार्ली से दूरियां बना लेती है। ये देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह एक पेड़ पर चढ़कर उसके सारे फल नीचे फेंकने लगता है। वहां पर सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चार्ली भी जंगल की तरफ निकल जाता है, जिसे मनाने के लिए एनी जाती है और उसे मनाकर घर ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं पीटर डिसाइड करता है वो चार्ली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा और दोनों मिलकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एनी अपनी दोनों बेटियों को एक स्टोरी सुना रही थी। उस स्टोरी में क्वीन का कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक था। वो गलती करने वाले को सीधा मौत की सजा सुनाती थी। ये हमें अगले दिन पता चल जाता है जब पीटर और चार्ली जंगल से वापस आते हैं। तब एनी देखती है पीटर का बिहेवियर कुछ बदला सा लग रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है चार्ली ने पीटर को सब कुछ बता दिया है, जिसके लिए वो पीटर को कन्फ्रंट करती है और वो उसे कहती है, चार्ली ने तुम्हें जो
कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ है। अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनकर पीटर बहुत ही कन्फ्यूज हो जाता है, आखिर वो किसकी साइड ले। इसके बाद एनी अपने लॉयर वाले अंदाज में उसे कहती है, कुछ दिनों पहले जो चोरी हुई थी वो चार्ली ने ही की थी। ये सुनते ही पीटर एनी पर भरोसा कर लेता है और चार्ली के एकदम से खिलाफ हो जाता है, क्योंकि चार्ली का बिहेवियर शुरुआत से ही बहुत ही अजीब था। इसके बाद पीटर एनी से चार्ली को माफ़ी मांगने के लिए कहता है। चार्ली ने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए वो एनी के मुंह पर थूक कर चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद पीटर डिसाइड करता है वो चार्ली को एक बोर्डिंग में डाल देगा और अगली ही सुबह उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद एनी भी सभी एविडेंस मिटा देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद चार्ली बोर्डिंग से भाग कर सीधा एनी के पास आता है, जिसके बाद एनी उसे कहती है, तुम एक माइनर हो और तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला और मैंने सारे एविडेंस को भी मिटा दिया है। इसके बाद चार्ली सैड होकर पीटर के पास जाता है, लेकिन एनी वहां से भी उसे भगा देती है। वो एकदम से अकेला हो गया था, इसलिए वो फिर से उसी जंगल में चला जाता है जहां पर ठंड और भूख की वजह से चार्ली की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पीटर को समझ आ गया था कि एनी ने ही उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। वो चाहकर भी एनी को छोड़ नहीं पाता क्योंकि एक बार फिर से उसकी फैमिली दूर हो जाती। इसके बाद वो लोग आज ऑस्ट्रेलिया चार्ली की मॉम के पास जा रहे थे, जहां पर दोनों बहनें और पीटर चार्ली को खोने के गम में खोए हुए थे, लेकिन एनी के चेहरे पर कोई भी दुख नहीं था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।